अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 18, पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी कैन 1104 में आज हम मज़ीद कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम्स हमारा जो मटेरियल बैलेंस का हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से स्क्रीनिंग के ऊपर आप मटेरियल बैलेंसेज लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ आपने स्क्रीन इफेक्टिवनेस जो थी उसके कुछ फॉर्मूलाज देखे थे जो कि हमने मटेरियल बैलेंस की मदद से ड्राइव किए थे। आज हम उन चीज़ों की कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7, अ मिक्सचर ऑफ क्वार्ट्स इज बीइंग स्क्रीन्ड थ्रू अ स्टैंडर्ड 10 मैश स्क्रीन। द क्यूमुलेटिव स्क्रीन एनालिसिस ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो इज शोन बिलो। कैलकुलेट the mass ratios of the overflow and underflow to feet and the overall effectiveness of the screen. अच्छा बेटा, ये देखिए कि ये सवाल में हमारे पास बेसिकली क्या है कि एक हमें क्वार्ट्स का मिक्सचर है, मिनरल है हमारे पास, उसका मिक्सचर है। उस मिक्सचर को आप एक 10 मैश की स्क्रीन में से जो है उसको स्क्रीन आउट कर रहे हैं, ताकि आप उसमें से जो है जब स्क्रीनिंग करते हैं तो आपको लाजमन ओवरफ्लो मिलेगा, कोई आपको अंडरफ्लो मिलेगा। इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास जो मिक्सचर है उस मिक्सचर की लैब रिजल्ट्स के मुताबिक आपके पास उस मिक्सचर की ये एनालिसिस, स्क्रीन एनालिसिस हमारा मौजूद है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उस मिक्सचर के अंदर आपने 4 to 65 मैश तक के डिफरेंट स्क्रीन्स लगाई। हर मैश का उसकी जो ओपनिंग है, मैश ओपनिंग, उनके डायमीटर सारे मैंशन हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रैक्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं, फीड की, ओवरफ्लो की, अंडरफ्लो की। हमारे पास ये जो हमारा डाटा है, ये हमने जब इसको लैब के अंदर स्क्रीन एनालिसिस किया है, सीव एनालिसिस किया है, ये डाटा हमें वहाँ से कलेक्ट हुआ है। अब इस डाटा को देखते हुए हमने बेसिकली ये मालूम करना है कि जो 10, अगर आपके पास सिर्फ एक स्क्रीन लगी होती, 10 मैश की एक स्क्रीन लगी होती, उसमें से आप क्वार्ट्स का जो मिक्सचर है उसको पास करते, तो उस वक्त बेसिकली हमने ये मालूम करना है कि आपके पास जो मास रेशियोज हैं ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की फीड के अगेंस्ट वो क्या होंगी, और ओवरऑल जो इफेक्टिवनेस है स्क्रीन की वो क्या होगी। इसमें से बेसिकली हमने क्या करना है कि यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो 10 मैश है, इसको आप कह सकते हैं कि इस गिवन डाटा में से आपका कोई कट पॉइंट है, दिस इज द कट पॉइंट, या आप 10 जो है आप इस 10 मैश वाली स्क्रीन के डाटा को जस्ट आप इसको यूज करेंगे और बाकी डाटा को आप यूज नहीं करेंगे। लेट्स सी हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो कट पॉइंट है मैंने आपको बताया कि बेसिकली 10 मैश है, ये कट पॉइंट वो है जिसमें से आपने एक्चुअल स्क्रीनिंग का प्रोसेस करना है। अच्छा, अब हमारे पास जो स्क्रीन एनालिसिस है उसके अंदर जो एट द कट पॉइंट यानी कि 10 मैश के ऊपर हमारे पास जो डाटा गिवन है, मैंने उस डाटा को जो है अलग से लिख लिया है। वो क्या है आपके पास कि अगेंस्ट 10 मैश नंबर जो उसकी स्क्रीन ओपनिंग साइज है 10 मैश का, जो एक होल की ओपनिंग है वो 1.651 मिलीमीटर है। तो फीड की जो मैश फ्रैक्शन है वो 0.47 है, ओवरफ्लो की जो मैश फ्रैक्शन है वो 0.85 है, और अंडरफ्लो की जो मैश फ्रैक्शन है इस 10 मैश पर वो 0.195 है। अच्छा, अब हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म के डाटा अवेलेबल है, हमने फाइंड आउट करना है कि रेशियो ऑफ द ओवरफ्लो टू द फीड यानी कि ओ ओवर एफ, रेशियो ऑफ द अंडरफ्लो टू द फीड यानी कि यू ओवर एफ, और स्क्रीन इफेक्टिवनेस। सो दिस इज एक्चुअली आवर प्रॉब्लम। इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हमें पता है कि जो ओ ओवर एफ है यानी कि द रेशियो ओवर द ओवरफ्लो टू द फीड, दिस ओ ओवर एफ can be written as x subscript f minus x subscript u divided by x subscript o minus x subscript u. ये जो फॉर्मूला है हम लोगों ने मटेरियल बैलेंसेस को ड्राइव किया था, हम जस्ट वो फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से देखें आपके पास सारी वैल्यूज मौजूद है, x f x o x u, ये सारी वैल्यूज मौजूद है। जस्ट आपने इस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को पुट कर देना है, तो उसके बाद आपके पास जो o और f की वैल्यू आएगी 0.47 माइनस 0.195 डिवाइडेड बाय 0.85 माइनस 0.195, तो आपके पास जो ओ ओवर एफ की वैल्यू निकली है, दिस वैल्यू इज नाउ 0.4198। तो हमने रेशियो ऑफ द ओवरफ्लो टू द फीड हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह से हमें मालूम है द रेशियो ऑफ द अंडरफ्लो टू द फीड
इज गिवन बाय यू ओवर एफ। अच्छा अब जरा देखिए, तो बेसिकली आपको पास ऑलरेडी आपको पता है कि हमें इसके लिए अलग से आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, हम लोगों ने जब मटेरियल बैलेंस के अंदर से डेरिवेशन की थी तो बेसिकली हमने ये देखा था कि देखिए आपके पास जो मटेरियल, हमने कहा था कि आपके पास एक सॉलिड मिक्सचर है, कोई आपके पास फीड है जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, स्क्रीन करना चाहते हैं, उसके अंदर दो कॉम्पोनेंट थे, ए और बी। अच्छा उसमें हमने ये कहा था पहली दफा कि ए जो है आपका लेट से के ओवरफ्लो है, तो पॉसिबल है कि ए अंडरफ्लो भी हो सकता है, तो आपको उस हिसाब से वो दोनों के फार्मूलाज बनाए गए थे। जब आपके पास देखिए, अगर आपके पास लेट से एक ओ और एफ निकल आई है मैच, आपके पास जो रेशियो ऑफ द ओवरफ्लो टू द फीड आपने जब कैलकुलेट कर ली है, देन व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द यू ओवर एफ, व्हाट यू नीड इज यू जस्ट टेक वन एंड यू माइनस द ओ ओवर एफ वैल्यू, यू विल गेट द रिजल्ट। तो हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो क्यूमुलेटिव मैच फ्रैक्शन होती है वो आपके पास वन होती है, तो ऑलरेडी जो आपके पास ये वैल्यू आई होगी, आप इस वैल्यू को वन में से माइनस कर देंगे एंड देन द रिमेनिंग विल बी द यू ओवर एफ। तो हमने इस चीज को यूज किया है। तो अब हमने इस फॉर्मूले के अंदर ओ ओवर एफ की जो आपने ये वाली वैल्यू निकाली है वो पुट कर दी है, देन द वैल्यू ऑफ द यू ओवर एफ यू हैव ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 0.5802। अच्छा जी, अब हमें जो ओवरऑल स्क्रीन इफेक्टिवनेस है उसका हमें पता है कि ओवरऑल स्क्रीन इफेक्टिवनेस होती है वो क्या होती है, वो ई इज इक्वल टू एक्स सबस्क्रिप्ट एफ माइनस एक्स सबस्क्रिप्ट यू मल्टीप्लाई बाय एक्स ओ माइनस एक्स एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स ओ, ये जो हम छोटा सा करके लिखते हैं इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स ओ मल्टीप्लाई बाय वन माइनस एक्स यू डिवाइडेड बाय एक्स ओ माइनस एक्स यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स एफ वन माइनस एक्स एफ। अब हम इनके अंदर वो तमाम वैल्यूज पुट कर देते हैं एक्स एफ एक्स ओ एक्स यू की, तो उस वक्त हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास रिजल्ट आएगा, इसको हमने जब वैल्यूज सारी पुट की तो हमारे पास जो स्क्रीन इफेक्टिवनेस का रिजल्ट आया, दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 0.6688। दैट मीन्स द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ दिस 10 मैश स्क्रीन फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द गिवन क्वार्ट्स मिक्सचर जो है वो 66.88% हमारी स्क्रीन इफेक्टिवनेस है बेस्ड ऑन द गिवन स्क्रीन एनालिसिस। तो इस तरीके से हम जो है आप स्क्रीन इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट करते हैं, व्हेन यू हैव द गिवन डाटा आप इन फॉर्मूलाज को इस तरीके से लगा सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं, दिस क्वेश्चन इज अ शेयर एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ मटेरियल बैलेंस फॉर सॉलिड मटेरियल्स। तो इसके अंदर मटेरियल बैलेंस का बहुत एक्सटेंसिव ये यूज है, जरा देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इट इज डिजायर्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल्स इन टू थ्री फ्रैक्शंस, अ कोर्स फ्रैक्शन रिटेन्ड ऑन अ 8 मैश स्क्रीन, अ मिडल फ्रैक्शन पासिंग एन 8 मैश बट रिटेन्ड ऑन अ 14 मैश स्क्रीन, एंड अ फाइन फ्रैक्शन पासिंग अ 14 मैश। टू स्क्रीन्स इन सीरीज आर यूज्ड, एन 8 मैश एंड 40 एंड अ 14 मैश कन्फॉर्मिंग टू द टाइलर स्टैंडर्ड। स्क्रीन एनालिसिस ऑफ फीड कोर्स मीडियम एंड फाइन फ्रैक्शंस आर शोन बिलो। एज्यूमिंग द एनालिसिस आर करेक्ट, डिटरमिन द मैच ऑफ ईच ऑफ द थ्री फ्रैक्शंस प्रेजेंट इन द फीड, ऑल्सो कैलकुलेट द मैच ऑफ ईच ऑफ द थ्री फ्रैक्शंस एक्चुअली ऑब्टेन्ड आफ्टर स्क्रीनिंग। सवाल क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमारे पास कोई मिक्सचर ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं, हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं, और जब हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पास तीन मुख्तलिफ किस्म की फ्रैक्शन आ जाए, कोर्स फ्रैक्शन, इंटरमीडिएट फ्रैक्शन, फाइन फ्रैक्शन। अच्छा अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रीन एनालिसिस गिवन है, स्क्रीन एनालिसिस यानी कि लैब के अंदर आपने ऑलरेडी टेस्ट किया, आपने फीड को टेस्ट किया, कोर्स फ्रैक्शन, इंटरमीडिएट फ्रैक्शन, फाइन फ्रैक्शन, इनको टेस्ट करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट्स आए हैं। इस रिजल्ट्स को देखते हुए आपने ये देखना है कि अगर आपके पास 8 मैश और 14 मैश की जस्ट दो स्क्रीन लगी हुई हो, आपके पास ऊपर नीचे 8 और 14 मैश की अगर आपके पास दो स्क्रीन लगी हुई हो, तो उस वक्त हम जो है आपकी जो कोर्स फ्रैक्शन होगी, बेसिकली वो जो कोर्स फ्रैक्शन होगी वो 8 मैश स्क्रीन के टॉप पर रुक जाएगी, जो मिडिल फ्रैक्शन होगी या इंटरमीडिएट फ्रैक्शन होगी वो 8 मैश की स्क्रीन से पास कर जाएगी लेकिन 14 मैश पर रिटेन कर जाएगी, जो फाइन फ्रैक्शन होगी वो आपके 14 मैश से
पास कर जाएगी। तो अब बेसिकली हमने जो है मालूम करना है कि उस वक्त जब आपके पास ये सारा प्रोसेस हुआ, आपके फील्ड के अंदर जो कोर्स मटेरियल, इंटरमीडिएट मटेरियल, फाइन मटेरियल और इसी तरह आपके जो प्रोडक्ट आया है सेपरेशन के बाद, आपकी जो स्क्रीनिंग के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिला है, उस प्रोडक्ट में आपको कोर्स प्रोडक्ट कितना मिला है जो कि 8 मैश के ऊपर रिटेन करेगा। उसके साथ साथ आपने बताना है कि जो आपके पास इंटरमीडिएट मिला है जो 14 मैश पर रिटेन करेगा वो कितना होगा। साथ में आपने ये भी बताना है कि जो फाइन्स 14 मैश से पास कर जाएंगे वो कितने होंगे। अब देखें इस लैब रिजल्ट को, देखें उस लैब रिजल्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन का मतलब है 3/4। 3/4 का क्या मतलब है कि आपकी जो फीड थी ये फीड आपकी 3 मैश से पास कर गई है और 4 पे इसने रिटेन किया। अच्छा 4/6 को देखें यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये जो मैं आपके पास फ्रैक्शन है, आपके पास जो परसेंटेज है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये जो फीड थी, ये फीड 4 में से, फीड का ये हिस्सा 4 में से 4 मैच से पास कर गया है, 6 पे उसने रिटेन किया। इसी तरह ये जो फीड का पोर्शन है ये आपके पास 6 मैच से पास किया है, 8 पे रिटेन कर गया है। ये जो फीड का पोर्शन है इसने 8 मैच से पास किया है, 10 पे रिटेन किया है। इसी तरह आप ये सब चीज़ों का ये मतलब, लेट्स से कि यहाँ पे आपके पास मिडिल फ्रैक्शन जो 30.8 थी, इसका मतलब है कि इस 30.8 ने 8 स्क्रीन को पास किया, 8 मैच को पास किया है और 10 मैच से इसने जनाब यारी इसने रिटेन किया। तो ये हमारे पास डाटा गिवन है, हमने इस डाटा को यूज़ करके हमने मटेरियल बैलेंस लगाकर हमने मालूम करना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट, हमारे पास जो फीड है, इस फीड के अंदर कोर्स मिडल इंटरमीडिएट और फाइन की कितनी कितनी मैसेज होंगे और साथ साथ जो प्रोडक्ट आएगा स्क्रीनिंग के बाद उसका भी हमने मैस मालूम करना है। अच्छा जी, अब इस सवाल के अंदर बेसिकली हमारे पास कट पॉइंट्स 2 हैं। क्या है कि आपके पास 2 किस्म की आपने स्क्रीन यूज़ करनी है सीरीज में, 8 मैश और 14 मैश। मालूम क्या करना है आपने, नंबर 1 जो है वो आपका है कि मैश ऑफ द कोर्स इंटरमीडिएट एंड फाइन मटेरियल प्रेजेंट इन द फीड, और नंबर 2 है मैश ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट एंड फाइन मटेरियल ऑब्टेंड आफ्टर स्क्रीनिंग। तो ज़रा देखते हैं कि इस सवाल को किस तरह किया जाए। हम कुछ चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं कि लेट से कि जो आपका प्योर कोर्स मटेरियल है, जो प्योर कोर्स मटेरियल है जो कि आपके पास 8 मैश के ऊपर जो रिटेन करता है आपके पास प्योर कोर्स मटेरियल, लेट्स से कि अगर हम उसको, हम ये कह देते हैं उसको हम ए कह देते हैं, यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि आपके फीड के अंदर जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर जो प्योर कोर्स मटेरियल है रिटेन और 8 मैश स्क्रीन, उसको हमने प्लस 8 का मतलब यह है कि 8 के ऊपर रुक जाएगा, उसको हमने ए कह दिया। अच्छा इसी तरह फीड के अंदर अगर आपके पास उस फीड के अंदर कोई आपके पास प्योर इंटरमीडिएट कंपोनेंट मटेरियल होगा जो कि 8 मैश में से एक्चुअली वो पास कर जाता है और 14 मैश पे रिटेन करता है, तो इस प्योर इंटरमीडिएट कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं जो कि फीड में मौजूद है, उसको हम बी से प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह आपकी फीड के अंदर अगर कोई प्योर फाइन कॉम्पोनेंट हो, वो ऐसा कॉम्पोनेंट है जो कि 14 मैश स्क्रीन में से पास कर रहा है, बेसिकली अगर वो 14 मैश स्क्रीन में से पास कर रहा है तो आप उसको सी कह रहे हैं। अच्छा ये हमने अज्यूम कर लिया, उसके बाद अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम ये कह देते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल फीड है जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट एंड फाइन मटेरियल अवेलेबल है, हमने ओरिजिनल जो फीड है 100 pounds ऑफ फीड मटेरियल हमने ले लिया। अब देखिए आपके पास अगर आपने 100 pounds ऑफ फीड मटेरियल ले लिया है तो डी सबस्क्रिप्ट क्या होगा, बेसिकली दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द कोर्स मटेरियल ऑब्टेन्ड आफ्टर स्क्रीनिंग। इसका मतलब है कि जो आपके पास कोर्स मटेरियल स्क्रीनिंग करने के बाद जो हासिल होगा, यानी कि जो कोर्स प्रोडक्ट आपको हासिल होगा, उसको हम डी सबस्क्रिप्ट सी से कहेंगे। और इस तरह डी सबस्क्रिप्ट एम जो है बेसिकली वो आपका वो इंटरमीडिएट मटेरियल है जो कि आपने स्क्रीनिंग के बाद हासिल किया होगा, तो इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ इंटरमीडिएट मटेरियल प्रोडक्ट। अच्छा इसी तरह देखिए आपके पास जब आपके पास ये कोर्स और इंटरमीडिएट आ गए हैं तो आपको फाइंस बड़े निकालना बड़ा आसान है आपके, क्योंकि मटेरियल आपके पास टोटल 100 था। देखिए 100 मटेरियल है तो मटेरियल बैलेंस का मतलब है कि जो इन होगा वो आउट भी होगा, तो 100 में से अगर आप ये निकाल दें, डीसी और डीएम की वैल्यू निकाल लें, तो इसका मतलब है कि जो फाइन है, फाइंस की जो प्रोडक्ट होगा डीएफ, वो होगा पाउंड्स ऑफ फाइंस ऑब्टेन फ्रॉम द स्क्रीनिंग,
उसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस डी सबस्क्रिप्ट माइनस डी एम। हमने उसमें से यानी कि 100 में से कोर्स और इंटरमीडिएट को निकाल लिया। 100 कहाँ से आया, हम बेसिस ले रहे हैं इस सवाल को हल करने के लिए। अच्छा जी, अब बेसिकली देखिए, हमने जो है जो स्क्रीन एनालिसिस लैब का गिवन था उसको हमने यूज करना है और हमने उसकी मदद से डिटरमिन करना है कि आपके पास जो कोर्स इंटरमीडिएट और फाइंस जो आपके 100 पाउंड ऑफ फीड मटेरियल के अंदर मौजूद हैं वो कितनी कितनी उनके मैसेज हैं। अच्छा देखिए, हमने बेसिकली सिर्फ दो किस्म की स्क्रीन्स यूज करनी है एक्चुअली, 8 मैश और 14 मैश, और इनको आप सीरीज में लगाएंगे यानी कि ऊपर नीचे आपने उनको लगाया होगा ताकि जो क्रिस्टल्स हैं वो डिफरेंट इन तीन फ्रैक्शंस के अंदर वो सेपरेट आउट हो जाए। अच्छा, लेकिन साथ साथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसको आपने समझना है कि देखिए, हमने जब फीड के अंदर आपके पास कोई चीज़ डाली है, और इसका मकसद कहने का यह है कि देखिए, आपके पास अगर कोई मटेरियल है जो कि 8 मैश स्क्रीन के ऊपर रिटेन कर रहा है, तो इसका मकसद कहने का यह है कि बेसिकली वो आपका कोर्स मटेरियल होगा। क्योंकि देखिए, आपके पास यहाँ पर लेट से कि हमने फीड है, इस फीड की हमें ये एनालिसिस गिवन है, तो आपको ये पता है कि इस फीड के अंदर से, देखिए अगर आपके पास ये फीड है, इस फीड के अंदर ही कोर्स भी मौजूद है, इंटरमीडिएट भी मौजूद है, फाइन भी मौजूद है। अगर ये जो फीड है वो आपकी 8 मैश पे रुक रही है, इसका मतलब है कि वो जो 8 मैश पे जो फीड रुकी है, इसका मतलब है कि वो आपकी जो 8 मैश पे रुकी है बेसिकली वो कोर्स मटेरियल था। तो अब इसका मकसद है कि आप उसमें से कोर्स मटेरियल को लिख सकते हैं। वो किस तरीके से आप लिखेंगे कि आपने अगर उसको कोर्स मटेरियल को लिखना है तो उसको लिखने का बहुत आसान तरीका होगा कि आप जो इन तमाम स्क्रीन्स को ज़रा दोबारा देखते हैं कि देखिए, आपके पास यहाँ पर जो स्क्रीन्स आई हैं, ये देखिए आपके पास जो स्क्रीन्स आई हैं, देखिए इसका मकसद कहने का यह है कि यहाँ पर हमने 3 से लेकर 48 तक डिफरेंट स्क्रीन्स लगाई हुई थी, लेकिन अब आपने जो ओरिजिनल लगानी है तो आपने सिर्फ 2 स्क्रीन लगानी है, 8 नंबर और 14 नंबर, 2 स्क्रीन्स लगानी है। जब आपने 8 और 14 नंबर की 2 स्क्रीन्स लगाई हैं तो बेसिकली होगा क्या, ज़रा इसको देखिए, आपके पास 8 के ऊपर जो है यहाँ तक का जो मटेरियल है जो रिटेन हो रहा है वो सारे का सारा आपके 8 तक का मटेरियल वो रुक जाएगा। इसका मकसद है कि आपके पास जब 8 नंबर की स्क्रीन लगी होगी तो आपके ऊपर जो 8 के ऊपर जो रिटेंशन आ रही है उसके अंदर आपको ये चीज़ें भी ऐड करनी पड़ेंगी। तो मैंने बिल्कुल इसी काम को यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया है कि आपके पास जो आएगी, जो आपके पास कोर्स मटेरियल है फीड के अंदर, बेसिकली वो क्या होगा, वो होगा जो फीड मटेरियल आपका 8 मैश स्क्रीन पर रिटेन किया है वो होगा, उसको हमने ए कहा था, और ए के अंदर आपके पास 3.5 प्लस 15 प्लस 27.5, इसका मतलब जो ए है आपका वो 46 पाउंड्स है। दैट मीन्स द कोर्स मटेरियल इन द फीड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 46 पाउंड। अब हमने इसी बिल्कुल यही प्रोसेस यूज करके हम निकालेंगे जो है, जैसे हमने ये एनालॉगी इस्तेमाल की है कि किस तरीके से आपके पास कोई चीज़ रुक रही है, तो वो आपके पास जो है, हमने क्योंकि उसके अंदर कोर्स मौजूद है, हमें पता है कि जो कोर्स का प्रोडक्ट था वो आपका 8 मैश पे रुक रहा था, तो इसका मकसद जो फीड अगर 8 मैश पे रुकेगी वो कोर्स मटेरियल ही होगा। बिल्कुल यही एनालॉगी यूज़ करके ज़रा आप देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर इसी एनालॉगी को यूज़ किया है। अब ज़रा देखिए, आपके पास हम ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारे पास 14 मैश है, ज़रा गौर कीजिएगा, 14 मैश है यहाँ पर, उसके अंदर हमारे पास 10 और 14 मैश के ऊपर जो हमारे पास फीड आपके पास रुक रही होगी, लेट से कि अगर आपके पास 10 और 14 मैश के ऊपर जो है वो कोई, अगर आपके पास जो थी वो फीड हमारे पास रुक रही थी, तो ज़रा दोबारा देख सकते हैं, एक मिनट आपको मैं दोबारा लेके जाता हूँ। ये देखिए कि आपके पास अब बेसिकली क्या हुआ कि अब आपके पास यहाँ से 10 और जो 14 है, देखिए हमने अब बात की थी कि आपके पास 8 और 14 दो स्क्रीन लगाई थी, तो जब आपके पास 14 जो स्क्रीन लगी होगी तो 14 के ऊपर यहाँ पे 16 तक, यानी कि बेसिकली 8 पे तो ये रुक गया, और जो 8 से ऊपर जो नीचे जाएगा 14 पे जो रुकेगा उसके लिए आप निकाल सकते हैं, वो 23.5 प्लस 16 होगा, जो 14 तक रुकेगा वो 23.5 प्लस 16 होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब साफ जाहिर है कि आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो
तो बेसिकली ये जो एडिशन होगी आपके पास, ये बन जाएगी जो कि इंटरमीडिएट मटेरियल आपका फीड में शामिल है, ये वो बन जाएगा। और आप इसको लिख सकते हैं, जब आपने लिखना है कि इंटरमीडिएट मटेरियल प्रेजेंट इन द फीड इज इक्वल टू फीड विच पासिस थ्रू द 8 mesh screen एंड रिटेन्स ऑन द 14 mesh screen। इसको आपने जब जमा किया तो आपका इंटरमीडिएट मटेरियल फीड के अंदर आ गया 39.5 pounds। फाइंस निकालने के लिए बड़ा आसान है, आपको पता है कि 100 pound आपने मटेरियल शुरू में ये लिया था, तो 100 में से आप 46 और 39.5 माइनस कर दें तो आपके पास जो फाइंस आ जाएंगे वो फाइंस आ जाएंगे 100 माइनस 46 माइनस 39.5 इज इक्वल टू 14.5। इसका मतलब जो फाइंस आपके फीड में आ गए हैं वो 14.5 हमारे पास पाउंड्स आ गए हैं। हमने आधा सवाल कर लिया, आधा सवाल हमारा ये था कि हमने ये मालूम करना था कि फीड के अंदर हमारे पास जो गिवन फीड है उसके अंदर जो है वो मैसेज मालूम करने थे कि आपके पास वो जो कोर्स इंटरमीडिएट और फाइन है उनके क्या क्या मासेज होंगे। अब हमने बिल्कुल इसी तरीके से इसी चीज़ को हमने आगे फर्दर जाना है। अब हम निकालने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट जो बन रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर जो हमें मिला है स्क्रीनिंग के बाद, कोर्स प्रोडक्ट की कितनी मिकदार हमें मिली है हमें, क्योंकि देखिए सेपरेशन जो है 100% नहीं होगी, कुछ ना कुछ आपको कोर्स की कितनी यानी कि जो कोर्स फ्रैक्शन आपको मिलेगी उसमें क्या 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 चीज़ शामिल होगी, इंटरमीडिएट में क्या शामिल होगी और फाइन में हमें क्या क्या चीज़ शामिल होगी। अच्छा जी, अब देखिए कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इस, ज़रा देखिएगा यहाँ पर इसको, यहाँ पे देखिए हमारे पास कोर्स फ्रैक्शन, इंटरमीडिएट फ्रैक्शन और फाइन फ्रैक्शन का भी हमारे पास एनालिसिस दिया हुआ है। अब अगर आप देख गौर करें तो आप यहाँ पर देखें कि 8 mesh के ऊपर आपका जो कोर्स पार्टिकल्स है उसने रुकना है, तो 8 mesh तक आपके पास जो कोर्स पार्टिकल्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 40 + 50 + 24 है। अगर आप जो है इनको जमा कर लें तो आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा होगा, जो आपका प्रोडक्ट सेपरेशन के बाद आया है उसकी आप जो है वो बेसिकली वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली वो मैच फ्रैक्शन है ये सारी, आपने उसको कैलकुलेट करना है। तो आपने निकाल लिया कि 0.14, 0.5 और 0.24, ये बेसिकली 0.88 आपके पास मैच फ्रैक्शन आ गई है जो कि आपके कोर्स मटेरियल जो कि 8 mesh तक रुका है उसकी आपने मैच फ्रैक्शन निकाल लिए। इसी तरह बेसिकली आपके पास हम ये देख रहे थे कि कोर्स फ्रैक्शन के अंदर, देखिए आप इस चीज़ को आपने समझना, जो बेसिकली हमारे पास कोर्स फ्रैक्शन है उस कोर्स फ्रैक्शन के अंदर आपके पास सिर्फ खाली खाली जो चीज़ें कोर्स ही नहीं होंगी, बल्कि हमने ये भी देखना है कि उसके अंदर लेट से कि आपके पास कोई इंटरमीडिएट या आपके पास जो है कोई फ्रैक्शन इंटरमीडिएट या कोई फाइन फ्रैक्शन तो मौजूद नहीं है, वो कितनी कितनी होंगी हमने इसको भी स्क्रीन एनालिसिस से देखना है। आप देखना गौर कीजिए, इसको देखिए कि आपके पास 8 mesh तक यहाँ पर जो कोर्स फ्रैक्शन थी, आपको पता है कि 8 mesh तक जो कोर्स फ्रैक्शन थी वो आपके पास 24 है। उसके बाद आपके पास 8 के बाद आपने 14 की स्क्रीन लगाई हुई थी, इसका मतलब है कि इसके बाद वाला जो यानी कि ये 0.08 आपके पास और 0.04 इसको भी आपके पास ये मौजूद है, ये आपके पास जो होगी वो इंटरमीडिएट फ्रैक्शन मौजूद हो जाएगी। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आपने जब इसको लिखना है तो देन यू कैन ईजिली राइट कि आपका जो मैं ओके वेट अ सेकेंड ओके बेटा देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक, जरा नोट कीजिएगा, यहाँ पे मैंने गलती से 0.8 लिख दिया बट इट शुड बी 0.08 एंड अगेन दिस शुड बी 0.04। हाउ, जरा आप देखिएगा ऊपर जब भी, क्योंकि जब आपने यहाँ पर आपके पास आया है ये देखिए बेसिकली 8 है, तो जब आपने इसकी फ्रैक्शन निकाली है तो कोर्स फ्रैक्शन है आपके पास, तो ये सारी आपके पास मास फ्रैक्शन के अंदर कोई वैल्यू है तो मास फ्रैक्शन में आपने इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो 8 दिया हुआ है तो 8 को जब आप मास फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली 8 को आप 100 पे डिवाइड कर देंगे, सो यू गेट 0.04। व्हेन यू हैव 4 यू डिवाइड इट बाय 100 यू गेट 0.04। तो इसलिए मैंने गलती से वहाँ पर जो है आपको 8 और 0.8 और 0.4 लिख दिया, ये गलत है, 0.08 और 0.04 लिखेंगे, देन द सम विल बी 0.12। बिल्कुल इसी तरह आप अगर आप देखिए, अब आपके पास यहाँ पर इस सवाल के अंदर हमारे पास, क्योंकि आपने निकाल लिया कि कोर्स फ्रैक्शन को देखते हुए उसमें से मालूम किया है कि उस कोर्स फ्रैक्शन के अंदर आपके पास कितनी जो है कोर्स पार्टिकल्स थे,
कितने इंटरमीडिएट पार्टिकल्स थे, तो आप फाइंस निकाल सकते हैं। तो फाइंस क्या होंगी आपके पास, जो फाइन होगी मास फ्रैक्शन फाइंस की, वो 1 माइनस कोर्स माइनस इंटरमीडिएट, दिस इज द 0। इस चीज को अब हम मटेरियल बैलेंस की इक्वेशन के अंदर लगाते हैं, जब इन टर्म्स ऑफ हम इसको बेसिकली कोर्स प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा उस कोर्स प्रोडक्ट की हम इन टर्म्स के तौर पे हम इसको इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ए सबस्क्रिप्ट सी जो लिखा हुआ है हमारे पास, ए आपको पता है आपके पास जो ए है वो कोर्स मटेरियल है, तो यानी कि ए जो आपके पास यानी कि जो कोर्स मटेरियल के अंदर आपके पास जो कोर्स होगा वो 0.88, हमारे पास यहाँ पे हमने यहाँ से 0.88 हासिल किया है, 0.88, ये 0.88 आपके पास जो कोर्स की फ्रैक्शन आई है 0.88, और आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है बेसिकली डी सी से, तो डी सी वो कोर्स का जो प्रोडक्ट था जो आपको स्क्रीनिंग से मिलना था। इसी तरह आप इंटरमीडिएट के लिए इक्वेशन बना लेंगे, इंटरमीडिएट के लिए इक्वेशन को आपने बी सी से आपने लिखा, बी सी आपको क्या बताता है बेसिकली, जो बी सी है इंटरमीडिएट के अंदर, बी सी से हमें ये पता चल रहा है कि आपके जो इंटरमीडिएट कोर्स फ्रैक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट पार्टिकल्स हैं आपने ऑलरेडी निकाल लिया था कि वो 0.12 है, तो 0.12 को अब आप जो आपका प्रोडक्ट आएगा कोर्स प्रोडक्ट आएगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और जो हमारे पास इसी तरीके से जो फाइन्स आएंगे, फाइन क्योंकि आपके पास जीरो थे तो इसका मतलब है कि जो सी सब्सक्रिप्ट सी यानी कि आपके पास जो फाइन्स इन द कोर्स, फाइन पार्टिकल्स इन द कोर्स वो आपके पास जीरो हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल यही चीज जिस तरीके से आपने हमने ये इक्वेशंस बनाई हैं इन्हीं चीजों को यूज करके हम इंटरमीडिएट फ्रैक्शन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। अब जरा देखते हैं इंटरमीडिएट फ्रैक्शन को, देखें अगर आप तो इंटरमीडिएट फ्रैक्शन के अंदर जरा गौर कीजिए, आपके पास जो इंटरमीडिएट फ्रैक्शन है, इंटरमीडिएट फ्रैक्शन 8 मैश तक जो रिटेन कर रही है बेसिकली आपके पास वो 35.8, और जो यानी कि इसका मतलब कोर्स जो पार्टिकल्स होंगे 35.8 प्लस 0.042 आपके पास कोर्स हो जाएंगे, और जो आपके पास इंटरमीडिएट होंगे 14 तक वो क्या हो जाएंगे 30.8 यानी कि 0.308 प्लस 0.183 वो आपके पास इंटरमीडिएट हो जाएंगे, और आपके जो है उसी तरह उसके अंदर जो 14 से पास कर रहे हैं आपके बेसिकली जो पास कर गया उसको हम मैश उसको उसको आपने यहाँ से नहीं निकालना, जस्ट आप उसको 1 में से माइनस कर देंगे कोर्स और इंटरमीडिएट को, आपके पास वो फाइंस आ जाएंगे, तो आपको यहाँ से करना नहीं पड़ेगा। तो इसको हम देखते हैं कि वहाँ पे हमने क्या किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली आपके पास ये देखिए, तो बेसिकली हमने वो जो मैंने अभी आपको चीज़ दिखाई थी कि 0.042 और प्लस 0.358 आपके पास जो मैश फ्रैक्शन आ गई कोर्स मटेरियल की, जो कि आपके पास बेसिकली ये हम बात कर रहे हैं आप इंटरमीडिएट के अंदर जो आपको मिली है, इंटरमीडिएट से जो डाटा आपको मिला है उससे, इसी तरह आपके पास जो मैश फ्रैक्शन आएगी जो कि आपके पास 14 मैश स्क्रीन पर रुक गई है यानी कि हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट मटेरियल की, वो आपके पास जो है 0.491 है, और इसी तरह आपने 1 में से 0.491 में से 0.4 माइनस 0.491 किया तो आपके पास जो मैथ फ्रैक्शन है वो फाइंस का आ जाएगा 0.109। अब जैसे आपने पहले इक्वेशन लिखी थी इन टर्म्स ऑफ द कोर्स प्रोडक्ट, अब इस इक्वेशन को लिखेंगे क्योंकि हम इंटरमीडिएट फ्रैक्शन की बात की है, इसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसके लिखने का क्या है तरीका है कि आपके पास जो है कोर्स मटेरियल इन द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज इक्वल टू आपने जो कोर्स की जो फ्रैक्शन आपने इंटरमीडिएट में निकाली है 0.4 मल्टीप्लाई बाय जो उसका प्रोडक्ट है वो आपने उसके साथ कर दिया। इसी तरह हमारे पास जो है हम इंटरमीडिएट के लिए भी इक्वेशन निकालेंगे, इंटरमीडिएट के लिए जो इक्वेशन है वो 0.491 आपने जो इंटरमीडिएट की जो फ्रैक्शन निकाली है, इंटरमीडिएट की आपने जो फ्रैक्शन निकाली है आपने उस इंटरमीडिएट की फ्रैक्शन को सिर्फ इंटरमीडिएट की जो फ्रैक्शन आपने यहाँ पर निकाली है इस इंटरमीडिएट की फ्रैक्शन को जस्ट आपने प्रोडक्ट जो इंटरमीडिएट का आया था उस प्रोडक्ट के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो फाइंस के लिए, अब फाइंस जो है हमारे पास जो है सॉरी ये गलत मैंने दिखा दिया आपको, पहला वाला दिखा दिया, फाइंस के लिए हमारे पास
यहाँ पर जो फाइंस आएंगे उन फाइंस के लिए आपने 0.10 निकाली है, उसको डीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब बिल्कुल इसी चीज को यूज करते हुए स्क्रीन एनालिसिस, जो हमारे पास फाइन फ्रैक्शन का स्क्रीन एनालिसिस होगा, उसको भी हम देखकर उसमें से भी मजीद हम यही चीजें निकालेंगे। स्क्रीन एनालिसिस जो फाइन का देखें, अगर आप यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ से नजर आ रहा है कि आपके पास यहाँ देखिए जो हमारे पास जो कोर्स पार्टिकल्स हैं 8 तक आपके पास कुछ नहीं है, तो आपके पास वहाँ पे कोर्स पार्टिकल्स के हैं कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास जो इंटरमीडिएट है उसकी वैल्यूज गिवन है, फाइन की गिवन है। तो हम इसी डाटा को यहाँ पे यूज करेंगे अपने पास फाइन फ्रैक्शन के निकालने के लिए। हमारे पास जो मैथ फ्रैक्शन आपने देखा था कि कोर्स मटेरियल के कोई नहीं है तो वो जीरो है, जबकि आपके पास जो जो 8 मैच से गुजर गई थी इंटरमीडिएट मटेरियल की, हम ये बात फाइंस में कर रहे हैं, ये आपने 0.467 निकाल ली। और जो आपकी फाइन जो पार्टिकल्स होंगे जो कि आपने स्क्रीन एनालिसिस फाइन फ्रैक्शन से देखकर, वो आपके उसको निकालने के लिए 1 में से 0 और 0.467 माइनस कर दिया तो 0.533 आया। इसको भी बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ कोर्स फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट है उसकी इन टर्म्स में आप लिख लेंगे। इसका मतलब है कि आपके पास जो कोर्स मटेरियल फाइंस के अंदर मौजूद था, विच इज इक्वल टू द 0 मल्टीप्लाई बाय डी एफ, तो डी एफ आपके पास वो प्रोडक्ट है फाइंस का, तो ये ए एफ यहाँ पे 0 आ गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ से हमने बेसिकली जो बी यानी कि आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द फाइंस इज इक्वल टू 0.467 यानी कि उसकी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की जो कि फाइंस में मौजूद होगा उसकी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय आपका जो फाइंस का प्रोडक्ट आएगा स्क्रीन के बाद उससे मल्टीप्लाई कर दिया। डी एफ हमें शुरू में आज हमने बताया था कि डी एफ जो है वो 100 में से DC माइनस DM था, तो उसको हमने जब पुट कर दिया इस ऊपर वाले फार्मूले में, तो हमारे पास बी एफ की जो वैल्यू है वो आ गई 0.467 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस DC माइनस DM। इस तरह हम फाइंस के लिए भी इक्वेशन निकाल लेंगे, तो फाइन के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सी एफ इज इक्वल टू 0.533 × 100 माइनस DC माइनस DM। अब हमारा एक्चुअल असल मटेरियल बैलेंस यहाँ पर शुरू हो। अब हमने बेसिकली क्या करना है, अब हम सबसे पहले कंपोनेंट बैलेंस लगा रहे हैं। तो बेसिकली हम कंपोनेंट बैलेंस किस तरह का लगा रहे हैं, हम कोर्स मटेरियल के ऊपर कंपोनेंट बैलेंस लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कोर्स मटेरियल प्योर आपका फीड में शामिल था वो बराबर सम होगा बेसिकली जो कोर्स मटेरियल आपका कोर्स में मौजूद है, जो कि कोर्स मटेरियल आपका इंटरमीडिएट में मौजूद है, जो कि कोर्स मटेरियल आपका फाइन फ्रैक्शन में मौजूद है। इन सबको आप जब जमा कर लेंगे तो आपके पास बेसिकली आ गया कि ए इज इक्वल टू प्योर मटेरियल इन द फीड, ये आपके पास जो कोर्स मटेरियल आपका कोर्स प्रोडक्ट में, ये आपके पास इंटरमीडिएट मटेरियल आपका जो आपका कोर्स मटेरियल जो है आपके पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, और आपके पास जो कोर्स मटेरियल है फाइन प्रोडक्ट में, ये हमें सारा यानी कि कोर्स मटेरियल इन द फाइन प्रोडक्ट, इन सारी चीज़ों की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं ए सी ए एम और ए एफ की, हमने ये पुट कर दी तो हमारे पास एक सिंप्लीफाई इक्वेशन आ गई 46 इज इक्वल टू 0.88 DC + 0.4 × DM। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। बिल्कुल इसी तरह हम अब इंटरमीडिएट मटेरियल बैलेंस लगाएंगे। उस इंटरमीडिएट मटेरियल बैलेंस का मतलब ये होगा कि जो आपका इंटरमीडिएट मटेरियल है फीड के अंदर शामिल है वो बराबर होगा जो आपका इंटरमीडिएट मटेरियल आपका बेसिकली जो कि कोर्स प्रोडक्ट में है, इंटरमीडिएट मटेरियल जो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में है, और आपका जो बेसिकली इंटरमीडिएट मटेरियल जो कि फाइन प्रोडक्ट में होगा, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। बी जो आपका प्योर मटेरियल है फीड के अंदर इंटरमीडिएट, एंड द इंटरमीडिएट मटेरियल इन द कोर्स, इंटरमीडिएट मटेरियल इन द इंटरमीडिएट मटेरियल इन द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट मटेरियल इन द फाइन प्रोडक्ट, इन सब की वैल्यूज़ हमें मौजूद हैं। हमने इन वैल्यूज़ को जब पुट किया तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनी हैं इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सिंपली इसको देख कर आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 7.2 इज इक्वल टू 0.347 DC - 0.024 × DM। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अच्छा, इस इक्वेशन को देखिए, जब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा है तो अब आप अगर इक्वेशन नंबर 2 में से अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में से लेट से कि अगर आप डीसी की वैल्यू निकालना चाहें तो डीसी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आप जो है ये मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिक्स का स्टेप लगाकर डीसी की आपने जो वैल्यू निकाली है तो वो 20.75 + 0.069 × DM है। ये जो डीसी की वैल्यू आई है
इसको अगर हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर वन थी आपकी, ये वाली इक्वेशन नंबर वन थी, इस इक्वेशन में जब पुट किया है इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास डीएम की वैल्यू 60.213 पाउंड आ गई है। इस डीएम की वैल्यू को अगर आप इस जगह पे पुट करें, आप सॉरी इस जगह पे नहीं बल्कि किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, या आप जो है उसको सिंपली जो है यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी डीसी की जो वैल्यू आएगी वो 24.905 पाउंड्स आ जाएगी। अब हमें पता है कि आपके पास बेसिकली जो डीएफ निकालने का हमें फार्मूला पता था विच वॉज 100 माइनस डीसी माइनस डीएम, तो आपने जो फाइन प्रोडक्ट आपके पास हासिल होगा उसकी भी आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास देखिए अगर हम चार्ट बनाए छोटा सा कि हमारे पास जो कोर्स मटेरियल प्योरली द कोर्स मटेरियल प्योरली इन द फीड वॉज 46 पाउंड, इंटरमीडिएट मटेरियल प्योरली इन द फीड वॉज 39.5 पाउंड, फाइन मटेरियल प्योरली इन द जो आपके पास फीड में जो था वो 14.5 था। अच्छा अब जब हमने सेपरेशन किया तो क्योंकि आपको पता है सेपरेशन 100% तो आपकी होगी नहीं, सेपरेशन के दौरान हमें मिक्स फ्रैक्शन मिली हैं, हमें तीन फ्रैक्शन थी, एक को हमने कोर्स फ्रैक्शन का, एक को हमने इंटरमीडिएट फ्रैक्शन का, एक को हमने फाइन फ्रैक्शन का। तो आपके पास जो कोर्स फ्रैक्शन की अमाउंट आई है 24.905 आई है, इंटरमीडिएट जो फ्रैक्शन की अमाउंट आई है 60.213 आई है, फाइन फ्रैक्शन की जो अमाउंट आई है 14.882 आई है। अच्छा अब आप यहाँ से कन्फ्यूज होंगे यार यहाँ पे 39.5 था, ये 60.213 आया है, बिल्कुल ये कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि सेपरेशन आपकी 100% नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि आपका कुछ ना कुछ जो कोर्स मटेरियल है वो आपका बेसिकली इंटरमीडिएट में भी मिक्स हो जाएगा। ये मटेरियल बैलेंस हमने निकाल लिया कि देखिए यहाँ पर 46 था तो अब आपके पास वहाँ पे जो बेसिकली जो प्रोडक्ट मिला आपको कोर्स का वो 24 मिला, तो जो बाकी रिमेनिंग होगा बेसिकली वो अब आपका इंटरमीडिएट में कहीं मिक्स हो जाएगा या कहीं नीचे फाइंस में चला जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास हमने मटेरियल बैलेंस को लगाकर हमने इस तरह के स्क्रीनिंग को हमने देख लिया कि आप अननोन चीज़ों को किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। द लेक्चर नोट्स फॉर टूडेज लेक्चर आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन ocw.kfuit.edu.pk, LMS पर भी अवेलेबल है आपकी ये वीडियो, LMS, OCW और YouTube चैनल पर अवेलेबल है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू दिस लेक्चर नोट्स, इनको अच्छी तरह से देखिए समझिए, कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो आस्क मी क्वेश्चंस इन द लाइव सेशन जी। थैंक यू जी, इंशाल्लाह जो है अब हम लाइव सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी।